अगर चीन अपना कब्जा बढ़ाए चला जाए तो एक स्थिति ऐसी उत्पन्न होगी जिसपे कि बातचीत करने के लिए कोई मुद्दा ही नहीं रहेगा, क्योंकि अगर चीन ने अपने LAC को ही अपना बॉर्डर बना दिया और उस पर कब्जा कर लिया उन सारे इलाकों पर, तो हम बात किस बात पर करेंगे। चाइना को ये ज्ञात कराना अपनी तरफ से और उनको खुद ये ज्ञात होना बड़ा ज़रूरी है कि इससे पारस्परिक संबंध पे बहुत ही गहरा और एक नेगेटिव असर होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं क्विंट पर। ये खास बातचीत हम कर रहे हैं पूर्व राजनयिक TCA रंगाचारी से, जो जब सर्विस में थे तो चाइना में बीजिंग, इसके अलावा हांगकांग और इस्लामाबाद में खुद रह चुके हैं, और विदेश मंत्रालय में जब वो काम करते थे तो चाइना डेस्क पर वो थे। चीन पर उनकी भारी पकड़ है, उनको मैंडरिन बोलना भी आता है, लेकिन हम उनसे हिंदी में ही बात करेंगे। रंगाचारी साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला, बहुत शुक्रिया। चीन और भारत के बीच में अब जो सीमा वारदात हुई है, उसके बाद आगे क्या, क्योंकि डिटेल्स तो एक बात है और उसमें अभी किसी के पास ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन अभी हालात कैसे हैं और आगे आप क्या देख रहे हैं? सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूं कि आपने अपने कार्यक्रम में मुझे आमंत्रित किया। जहां तक के अभी पिछले 48 घंटों की जो कुछ वारदात हुई है उसके बारे में, मैं समझता हूं कि ये दुखद भी है, सोचनीय भी है और चिंताजनक भी है। ये इस तरह की घटनाएं इसलिए होती हैं कि हमारा जो हम जो रेखा LAC कहते हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, और नक्शे पे दिखाते हैं, और जो चाइना अपनी तरफ से ये LAC कहता है और उसको अपने नक्शे पे दिखाता है, तो इसमें एक ओवरलैप है, यानी कि हमारे और उनकी रेखाओं के बीच में ऐसे काफ़ी क्षेत्र है जहाँ पर कि दोनों समझते हैं कि ये हमारे इलाके में पड़ता है। और मैं समझता हूँ कि पिछले कुछ सालों से चीन की नीति ये रही है कि वो जो जो क्षेत्र समझता है कि अपने LAC के तहत है उस पर अपना कब्जा कर ले, ताकि जब बातचीत का दौर शुरू हो तो वो कहे कि हम तो यहाँ पर मौजूद हैं और इसलिए ये हमारा इलाका है, ये हमारा नक्शा है जिसमें हम दिखाते हैं कि ये हमारा इलाका है, हम यहाँ मौजूद भी हैं, यहाँ हमने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह भी बनाया हुआ है, यहाँ हमारे सैनिक जो हैं उनके रिहाइश के लिए भी इंतज़ाम है, बाकी सब कुछ जो कुछ है सारा कुछ हमने यहाँ पर इंतज़ाम किया हुआ है, तो इसलिए ये हमारा इलाका है। फिर उसमें बातचीत की कोई गुंजाइश नहीं रह जाती कि नहीं नहीं ये तो हम कहते हैं कि हमारा इलाका है इसलिए इस पर कुछ बातचीत हो, आप यहाँ से वापस जाएँ। और गलवान के इलाके में भी मेरे ख्याल से इसी नीति की वजह से चीन ने जो पहल की है, जो बढ़त की है, उससे यह स्थिति उत्पन्न हुई है। और ये हमारी अब कोशिश ये होनी चाहिए कि जो 5 मई से पहले जो स्थिति थी, चीन अपनी फौज को वहाँ वापस ले जाए और उस इलाके तक, उस एरिया तक ही आए जहाँ तक कि वो पहले आया करता था, और हमारे जो LAC का क्षेत्र है उसका उल्लंघन ना करें। बिल्कुल, तो अब जो हम लोग चाहते थे कि पुरानी स्थिति बहाल हो जाए, स्टेटस को अंटे बहाल हो जाए, 5 मई के पहले का या 30 अप्रैल के पहले वाला, अब वो तो और मुश्किल हो गया है जो वारदात हो गई है उसके बाद। देखिए, अभी हमारे पास में, और मैं समझता हूं कि चीन के सामने भी, दो विकल्प हैं, या तो जो कुछ घटना घटी है दुखद है, लेकिन दोनों तरफ अब एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसमें हम चाहें तो हम आगे बढ़ सकते हैं और लड़ाई का दौर जो है ये और आगे और लंबा खींच सकता है और ज़्यादा जोर पकड़ सकता है। दूसरा विकल्प ये है कि हम ये देखें कि हिंदुस्तान और चीन के दोनों के हित में ये नहीं है कि किसी तरह का युद्ध हो, युद्ध विराम होना बड़ा ज़रूरी है। बिल्कुल सर, चूंकि भारत सरकार के तरफ से उनका अप्रोच अब क्या होगा उसके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी पब्लिक डोमेन में नहीं है, तो मेरा एक सवाल आपसे ये है कि दो तरह की राय चली है, एक कि भाई चाइना से संभल करके बात करिए, बात में इंगेज रखिए, बहुत बड़ा ताकतवर देश है, उसके साथ दुश्मनी मोल न लीजिए। दूसरा है कि हम 1962 वाले नहीं हैं, बिल्कुल करना चाहिए। इन सब में जो मिसिंग एरिया है वो ये है कि हमारी बातचीत में कंसिस्टेंसी कितनी है, क्योंकि चाइना के बारे में सब लोग ये बोलते हैं कि हम तो लगातार वार्न कर रहे थे कि वो तो हमेशा धोखा देता है, एक एक इंच के लिए लड़ता है, तो क्या ऐसा तो नहीं कि हमारी तरफ से डिटेलिंग की जो बातें होती हैं, कंसिस्टेंसी की जो बातें होती हैं, उसमें कहीं कमी रह गई और हमने चाइना की भलमनसाहत पर जरूरत से ज्यादा भरोसा कर लिया?
मैं नहीं समझता हूँ कि ऐसा कुछ हुआ है कि हमने चाइना को बहुत ज़्यादा, बल्कि आप देखें तो हर एक बार जब भी प्रधानमंत्री और शी जिनपिंग साहब की मुलाकात हुई है, सबसे ज़्यादा जोर इस मुद्दे पे दिया गया है कि किस तरह से दोनों देशों के बीच में ट्रस्ट, आपसी जो विश्वास है, उसे और बढ़ाया जाए, क्योंकि विश्वास और ट्रस्ट के बगैर में अपने एक दोस्ताना ताल्लुकात बनाने में बड़ी बहुत 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 दिक्कतें आती हैं। जहाँ तक के ये स्थिति है कि भाई क्यों हम इस परिस्थिति पे पहुँचे हैं, और अभी आप जो सवाल उठा रहे हैं कि क्या हमने उनको बहुत ट्रस्ट किया, मैं नहीं समझता हूँ कि हमने उनको ट्रस्ट किया है। ये बताएं कि अब जो हालात हैं उसको देखते हुए एक बात का अंदाज लगाना ज़रूरी है, वो ये कि चाइना का इंटेंशन क्या है। क्या चाइना ने अब बॉर्डर को अपने हिसाब से डिफाइन करने की तैयारी के पहले कब्जा जमाना शुरू किया है, ये ऑब्जेक्टिव है, या ऑब्जेक्टिव कुछ और है? ऑब्जेक्टिव अगर कुछ और भी है तो जहाँ तक के सीमा का सवाल है, जहाँ तक एलएसी का सवाल है, अगर चीन अपना कब्जा बढ़ाए चला जाए तो एक स्थिति ऐसी उत्पन्न होगी जिसपे कि बातचीत करने के लिए कोई मुद्दा ही नहीं रहेगा, क्योंकि अगर चीन ने अपने एलएसी को ही अपना बॉर्डर बना दिया और उस पर कब्जा कर लिया उन सारे इलाकों पर, तो हम बात किस बात पर करेंगे, और फिर हम किस तरह से चीन को हटाएंगे बिना युद्ध किए? शांतिपूर्वक बातचीत के जरिए तो ये नहीं हो पाएगा। तो इसलिए जो आपने सवाल पूछा है कि इनकी नीति का उद्देश्य क्या है, आधार क्या है, मैं समझता हूँ यही है कि जो जो इलाका वो समझते हैं कि ये चीन का इलाका है, ये चीनी टेरिटरी है, उस पर अपना फिजिकल कब्जा बना लो। और ये बात सिर्फ हम भारत और चीन की सीमा के इस परिस्थिति में नहीं देख रहे हैं। आप देखें साउथ चाइना सी में चाइना ने यही किया है, और बाकी देशों के साथ में जो है यही हो रहा है। तो बुनियादी चीज़ जो ये है कि जिसको आप समझते हो और कहते हो कि ये चीनी इलाका है, ये चीन का क्षेत्र है, ये चाइनीज टेरिटरी है, उस पर फिजिकल कब्जा कर लो, जैसे कहते हैं कि एक न्यू रियलिटी। अब न्यू रियलिटी से आप जूझते रहिए, और हम इस चाइना को ये ज्ञात कराना अपनी तरफ से और उनको खुद ये ज्ञात होना बड़ा ज़रूरी है कि इससे पारस्परिक संबंध पे बहुत ही गहरा और एक नेगेटिव असर होगा। और देखिए 62 के बाद में करीब 50 साल लग गए, जब देखिए 88 मतलब समझिए 38 और करीब करीब 25 साल लग गए राजीव गांधी को फिर चीन जाने में। अगर अब कोई ऐसा हादसा होता है और आगे बढ़ता है, कुछ युद्ध वगैरह और तेज़ी पकड़ता है, तो मैं समझता हूँ कि 25 साल तो बहुत ही आसान है जिसमें कि हिंदुस्तान और चाइना की ताल्लुकात और निकल जाएंगे। लेकिन इसमें फिर आपकी बात से ये लग रहा है, अगर मैं उसको सही समझ रहा हूँ तो आप बताएं कि बातचीत होगी, सब कुछ होगा, हमको शांति से इसको हल करना चाहिए, लेकिन बॉटम लाइन ये है कि भारत भी सीमा का उसका जो परसेप्शन है उसमें एक इंच भी देने के लिए मानेगा नहीं। चीन ने अपनी जो नीति है और जो अपना स्टैंड है, अपना पोजिशन है, उसमें इतना बदलाव ला दिया है कि अब ये कहना मुश्किल हो गया है कि ये लाइन है कहाँ तक की। और आज की तारीख में जो लाइन है, अगर आप कहें कि नहीं साहब ये तो आपने 10 साल या 15 साल या 25 साल पहले ये बात नहीं कही थी, तो चाइना कहता नहीं आज आज ये कह रहे हैं यही है बस जो कुछ है। तो इस तरह से बात नहीं हो सकती, इस तरह से संबंध नहीं चलाए जा सकते। और इसलिए वही 5 मई के पहले वाली या 30 अप्रैल के पहले वाली जो स्थिति है, स्टेटस को एंटी वाली, उस पर जाना बहुत जरूरी है। कम से कम शुरुआत का पॉइंट तो वही होगा। टीसी रंगाचारी साहब, आपने बहुत इंसाइटफुल ढंग से हमको समझाया कि दरअसल रियल मुद्दे क्या हैं और आगे क्या होना चाहिए। आपने समय निकाला, इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद।